हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नुक्ताचीन पर। मेरा नाम है शुभम उपाध्याय। आज हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स की नई फिल्म हसीन दिलरुबा के बारे में। इस फिल्म में जो सबसे हसीन है वो है विक्रांत मेसी का शानदार अभिनय। और जो चीजें दिल डुबा देती हैं वो कई सारी हैं, जिसमें सबसे टॉप पर है इसकी बचकानी मर्डर मिस्ट्री। पल्प फिक्शन आप जानते ही होंगे, हिंदी में जिसे कहते हैं लुगदी साहित्य, जिसके चमचमाते सितारे सुरेंद्र मोहन पाठक से लेकर वेद प्रकाश शर्मा जैसे लेखक रहे हैं। हसीन दिलरुबा में न सिर्फ नायिका ऐसे ही एक पल्प फिक्शन राइटर दिनेश पंडित के उपन्यास पढ़ती है, बल्कि ये फिल्म भी उसी लुगदी साहित्य का टेक्सचर, ट्रीटमेंट और बुद्धि अपनी कहानी कहने में इस्तेमाल करती है। यही इस रोमांटिक मर्डर मिस्ट्री फिल्म की सबसे बड़ी कमी है। हम सभी जानते हैं कि हिंदी का लुगदी साहित्य फटाफट खत्म होने वाली वो कहानियां कहता है जिन्हें अक्सर दिमाग लगाकर नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि उनमें ढेरों लूपहोल्स होते हैं और उनके ट्विस्ट एंड टर्न्स समझ की कसौटी पर अक्सर खरे नहीं उतरते। लेकिन चूंकि इस तरह का साहित्य पढ़ने में आनंदित करता है, इसलिए पढ़ते वक्त आप इन कमियों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जब यही लुगदी साहित्य अपनी तमाम कमियों के साथ सिनेमा के पर्दे पर हस्तांतरित होता है तो उसका मकली को नजरअंदाज कर पाना असंभव होता है। ठीक यही हाल हसीन दिलरुबा का है। इसकी मर्डर मिस्ट्री बेहद बचकानी है और एकदम लुगदी साहित्य के स्तर की है। आप शुरुआती आधा घंटे में ही भांप लेंगे कि सवा दो घंटे की फिल्म का एंड कैसे होने वाला है। स्पॉयलर्स का डर नहीं होता तो मैं एक एक लूपहोल्स की बात जरूर करता और आप भी उनकी कमकली पर अपना सर पकड़ लेते। हिंदी सिनेमा के अलावा भी कई कई विदेशी फिल्में ऐसा ट्विस्ट तो सालों से इस्तेमाल कर रही हैं। मैंने हाल ही में इसी घिसे पिटे ट्विस्ट को एक नए रूप में नेटफ्लिक्स की ही एक स्पेनिश मिनी सीरीज द इनोसेंट में देखा है, जहां इस फिल्म की तुलना में कई गुना बेहतर तरीके से इसे एग्जीक्यूट किया गया है। हमारे यहां श्रीराम राघवन से लेकर अनुराग कश्यप तक हिंदी के इस लुगदी साहित्य से बेहद प्रभावित रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस साहित्य की सिर्फ खूबियों को अपनी फिल्मों में शामिल किया है, जबकि हसीन दिलरुबा उसकी कमजोरियों से दिल लगाकर एक औसत फिल्म बन गई है। मर्डर मिस्ट्री के साथ साथ हसीन दिलरुबा में एक लव स्टोरी भी समानांतर चलती है, जो कि एक प्रेम त्रिकोण का रूप ले लेती है। ये लव स्टोरी कुछ हद तक जरूर देखने लायक है, खासकर तापसी पन्नू और विक्रांत मेसी की केमिस्ट्री की वजह से, लेकिन एक वक्त बाद ये भी प्रॉब्लमेटिक होना शुरू हो जाती है। प्यार में पागलपन की हद तक जाने की बात भले ही एक मेल राइटर करे या फिर फीमेल राइटर, उनकी लिखी ट्विस्टेड कहानियों में कबीर सिंह जैसी रिग्रेसिव फिल्मों की झलक मिलने ही लगती है। इस फिल्म की लेखिका कनिका ढिल्लो दिलचस्प किरदारों वाली ट्विस्टेड कहानियां कहने के लिए जानी जाती हैं, और खासकर सामाजिक मर्यादा के दायरे तोड़ने वाली नायिकाओं को वे बहुत कमाल तरीके से पेश करती हैं। फिर चाहे अनुराग कश्यप की मनमर्जियां हों या फिर कम पसंद की गई मगर बेहद दिलचस्प फिल्म जजमेंटल है क्या हो। लेकिन बदकिस्मती से हसीन दिलरुबा में ना तो वे नायिका के विद्रोही किरदार को ठीक से गढ़ पाई हैं और ना ही नायक के किरदारों को मर्दानगी से जुड़े स्टीरियोटाइप से दूर रख पाई हैं। महिलाओं के प्रति समाज के पूर्वाग्रहों को वे ठीक से रेखांकित करने में कई जगह जरूर सफल होती हैं, लेकिन एक तो रोमांचक मर्डर मिस्ट्री कहने में बुरी तरह असफल होती हैं और दूसरा प्यार के पागलपन वाली थीम को एक्सप्लोर करते वक्त 80-90 के दशक वाले रिग्रेसिव हिंदी सिनेमा के दर्शन हमें फिर से करा देती हैं। अभिनय की बात करें तो पिता और ससुर के रोल में दयाशंकर पांडे को फिल्म कुछ खास करने को नहीं देती है। उन्हें देखकर हमेशा उनका स्वदेश फिल्म वाला किरदार मेलाराम याद आता है, जिसे उन्होंने बढ़िया तरीके से अभिनीत किया था, लेकिन उसके बाद से ही हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री उन्हें कोई और कायदे का रोल दे ही नहीं पाई है। वहीं तापसी की सास के रोल में यामिनी दास एकदम बढ़िया काम करती हैं, भले ही उनका रोल घिसा पिटा और टिपिकल फिल्मी सास वाला है, लेकिन अपने एक्सप्रेशंस और संवाद बोलने के तरीके से वे सभी किरदारों के बीच अलग नजर आती हैं। बाकी सह कलाकारों में आदित्य श्रीवास्तव भी प्रभावी नजर आते हैं, हालांकि उनके किरदार में कोई खास डेप्थ नहीं है और फिल्म की पटकथा भी मर्डर की उनकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन को बेहद सतही तरीके से दिखाती है। तीनों मुख्य कलाकारों में हर्षवर्धन राणे सबसे कम प्रभावशाली साबित होते हैं। अपनी पिछली फिल्म तैश में उन्होंने बड़ा सही काम किया था, लेकिन यहाँ उनके किरदार को
वो डेप्थ, वो इंटेंसिटी नहीं मिली है जो किसी एक्टर को परफॉर्म करने की चुनौती देती है। नायिका रानी के रोल में तापसी पन्नू भी अच्छा काम करती हैं, लेकिन एक तो अब उनके एक्सप्रेशंस रिपीटेटिव होने लगे हैं, दूसरा ऐसे लगता है कि वे बेहद कम तैयारी के साथ इस फिल्म में अभिनय करने उतरी हैं, तीसरा उनके बिंदास किरदार को लेखिका कनिका ढिल्लो मनमर्जियां की तरह इस बार वो डेप्थ वो मुख्तलिफ आयाम नहीं दे पाए हैं जिससे रानी का किरदार एकदम चमक ही उठे। रानी कभी तो अपनी मर्जी से जिंदगी जीना चाहती है, घर के कामों से दूर रहना चाहती है, तो कभी खुद भाग भाग कर दफ्तर जाते पति को उसका बटुआ पकड़ाती है। बिना शक हसीन दिलरुबा की नायिका उस स्तर की विद्रोही और पाथ ब्रेकिंग नहीं है जैसी कनिका ढिल्लो ने मनमर्जियां और जजमेंटल है क्या में क्रिएट की थी। तापसी पन्नू के अभिनय को लेकर एक और कमी जो इस फिल्म में देखने को मिलती है वो अभिनय की एक बहुत पुरानी डिबेट है, नेचुरल एक्टिंग वर्सेस मेथड एक्टिंग। तापसी एक नेचुरल एक्टर हैं, वहीं विक्रांत मैसी बार बार रिहर्सल्स करने वाले मेथड एक्टर। तो हसीन दिलरुबा में जब जब तापसी सीन में अकेली होती हैं तो ज्यादातर वक्त अच्छा अभिनय करती हैं, लेकिन जितनी भी बार वे विक्रांत मैसी के साथ फ्रेम शेयर करती हैं तो तपी हुई मेथड एक्टिंग में पगे विक्रांत मैसी उनसे अभिनय में काफी आगे निकल जाते हैं। फिर चाहे सीन मजाकिया हो, झिझक वाला रोमांटिक हो या फिर हर तरह का इंटेंस हो, नेचुरल एक्टर्स के साथ अक्सर ऐसा होता भी है, एक वक्त के बाद उनके पास अभिनय का असला बारूद कम पड़ने लग जाता है। वहीं मेथड एक्टर लगातार अपनी एक्टिंग पर काम करते हैं और अपने हथियारों का जखीरा कभी खाली नहीं होने देते। तापसी पन्नू को अब भविष्य के लिए थोड़ा सचेत हो जाना चाहिए। आखिर में बात फिर से विक्रांत मैसी की, जिन्होंने इस फिल्म में बेहद शानदार अभिनय किया है। उनके किरदार ऋषु में कई सारे रंग थे और उन्होंने एफर्टलेसली उन सभी इमोशंस के बीच स्विच किया है, चाहे भोलेपन से लेकर झिझक तक के रंग हों, धोखा खाने से लेकर प्यार में गहरे डूबने के रंग हों, या फिर अपना आक्रोश जाहिर करने के कई कई सारे रंग हों। विक्रांत मैसी ने अपने अब तक के करियर में किए किरदारों में से सबसे अलहदा रोल इस बार हमारी नजर किया है। आप सिर्फ उनकी मेथड एक्टिंग का जलवा देखने के लिए हसीन दिलरुबा को आखिर तक देखते रह सकते हैं। मेरी तरफ से बतौर मर्डर मिस्ट्री निराश करने वाली इस फिल्म को विक्रांत मैसी के जबरदस्त अभिनय की वजह से 2.5 स्टार। रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस तरह इस नाचीज नुक्ताचीन की हौसला अफजाई कर दीजिए। धन्यवाद।